नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रेट टॉक। दोस्तों, मामला हो चाहे जेएनयू का, मामला चाहे जुड़ा हो वकीलों का, मामला चाहे जुड़ा हो दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के तहत विरोध कर रहे छात्रों का, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, ये तमाम ऐसे विषय हैं, तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर खूब हिंसक झड़प हुई है। और दिल्ली के जामिया नगर में जो कुछ हुआ, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इन सब मामलों पर पुलिस जाति के आरोप लगे हैं। जी हां, आजकल नागरिकता संशोधन कानून के तहत जो हिंसक प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है उसमें भी पुलिस जाति के आरोप लगे हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में ये पहला वाकया नहीं है जब पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हों। इससे पहले जेएनयू के छात्रों ने धरने प्रदर्शन के दौरान मारपीट करने का पुलिस पर आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस इससे पहले वकीलों के साथ हुई हिंसक झड़पों की वजह से भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में आई थी। तब पुलिस कर्मियों ने पुलिस मुख्यालय के सामने इस घटना के विरोध में खूब प्रदर्शन किया था। और इस घटना के बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दिल्ली पुलिस पर यह कहते हुए तंज कस दिया था कि पुलिस वाले तो वकीलों से पिट जाते हैं लेकिन जेएनयू के छात्रों पर लाठियां बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं पुलिस की कार्यप्रणाली की, उसके प्रशिक्षण और इससे जुड़े कुछ अन्य मुद्दों की जो सवाल खड़े करती है। इन सवालों में पुलिस की जवाबदेही और उसकी कार्यप्रणाली पर कथित राजनीतिक प्रभाव यानी कि एक पॉलिटिकल इफेक्ट भी शामिल होता है। तो क्या हालिया घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को नागरिक प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिसिया तरीकों की दोबारा पड़ताल करने की जरूरत है? क्या भीड़ नियंत्रण के लिए तरीके और रणनीति, सही नीतियों को बनाने की फिर जरूरत है? इन सबको ध्यान में रखते हुए चलिए करते हैं आज के स्ट्रेट टॉक की शुरुआत। प्रोग्राम की स्टार्टिंग में मैंने जो शुरुआत की है तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं सटीक सटीक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का हमारा विषय क्या होने वाला है। जी हाँ, सबसे पहले नजर आज के सवालों पर भी फटाफट से डाल लेते हैं और उसके बाद विस्तार से बात करेंगे, स्ट्रेट टॉक करेंगे आपके साथ और आपकी कॉल का वेट भी करेंगे कि आज के इस विषय को लेकर क्या कुछ कहते हैं आप। तो जिन सवालों पर आपको अपना नजरिया रखना है, इस पूरे विषय पर जो आप नजरिया रखेंगे, अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करेंगे, वो सवाल कौन से हैं, फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल नंबर पहला है कि जामिया हो या जेएनयू, पुलिस जाति के आरोप आखिर कितने सच हैं? क्या आपको लगता है कि ये आरोप जो लगाए जाते हैं वो जायज हैं? हिंसक प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर ये जो गंभीर आरोप आजकल लगते नजर आ रहे हैं ये कितने जायज हैं? हिंसक प्रदर्शनों से ठीक से निपटने में पुलिस हर बार आखिर क्यों हो जाती है नाकाम? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब पुलिस को इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर कथित राजनीतिक प्रभाव भी शामिल होता है। क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस राजनीतिक प्रभाव से पुलिस को मुक्त करने की क्या आज जरूरत है? सबसे अहम सवाल ये भी है कि जन शक्ति की कमी की वजह से पुलिस बल के सामने आज कौन सी चुनौतियां सामने हैं? हर हिंसात्मक घटना पर आखिर क्यों हर बार पिस जाती है ये पुलिस? तो सवाल यही है जिन पर आप अपना नजरिया हमारे साथ रख सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, प्रोग्राम की देखिए शुरुआत भी हो चुकी है, धीरे धीरे हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अच्छा लगेगा जब आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में भागीदार बनेंगे, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, अपने तर्क रखे, अपने विचार रखकर, अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर करके। तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बहुत ही ये सेंसिटिव मामला है, देखिए सेंसिटिव विषय है जिस पर आप सब अपना नजरिया रखिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा जिस तरीके से आप हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं और तमाम विषयों पर अपना ओपिनियन हमारे साथ शेयर करते हैं। देखिए ये जो मामला है ये हालांकि पहले ऐसी चीजें ज्यादा नजर नहीं आया करती थी अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, लेकिन आजकल स्थितियों को नियंत्रण करना बड़ा जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए जब पुलिस के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ ऐसे उसके ड्यूज होते हैं जिसको पूरा करना होता है, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही चालाकी से, ताकि स्थिति को अंडर कंट्रोल भी किया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से हम स्थिति को कंट्रोल भी कर सके। लेकिन आजकल नागरिक उनसे ज्यादा हावी होते चले जाते हैं,
यही वजह है कि पुलिस को फिर डंडे उठाने पड़ते हैं, टियर गैस शेल यूज करने पड़ते हैं, तो वैसे बहुत से हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जिसकी वजह से देखिए स्थिति को काबू करना पड़ता है। लेकिन स्थिति को काबू करते करते स्थिति इतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है कि उसके बाद सवाल ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। और देखिए आजकल तो मामले ऐसे ही उठ रहे हैं, मामला चाहे वकीलों के साथ जुड़ा हो, पिछले दिनों जब वकीलों के साथ हाथापाई हुई थी तो वकील किस तरीके से पुलिस पर हाथ उठाते हुए नजर आए, तो वो भी काफी ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी। हालांकि उस वक्त भी सवाल उठाए गए कि गलती किसकी थी, हालांकि कानून के ये दोनों ही अपने अपने पहलू हैं, तो वैसे में दोनों को एक दूसरे को जरूरत है, तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी उस वक्त क्रिएट हुई थी। और उसके बाद अब देखिए CAA CAB को लेकर कितने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि अब तक तो शांति पूर्ण तरीके से पूर्वोत्तर में हो रहे थे, लेकिन दिल्ली में जैसे ये मामला पहुंचा है तो ऐसा किसी ने भी उम्मीद नहीं लगाई थी कि इतना ज्यादा हिंसात्मक हो जाएगा, तो वही हुआ है। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि अभी बीते 2-3 दिनों की हैं, जिस वक्त पुलिस को देखिए इतने हथकंडे अपनाने पड़े हैं ताकि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें किसी तरीके से रोका जा सके। तो ऐसे भी स्थिति सामने आई जब स्टोन पेल्टिंग भी की गई है पुलिस पर, और उसके बाद पुलिस को भी अपना डंडा लाठीचार्ज जो है वो करना पड़ा। ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई जब पुलिस ने व्हीकल्स को डंडों के साथ मार मार के उन्हें खदेड़ने की कोशिश की, उन्हें गिरा दिया। तो ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा वायरल हुई हैं, जिस पर पुलिस पर ज्यादा निशान सवाल जो है उठाए जा रहे हैं कि पुलिस ने बहुत ज्यादा जाती की है। लेकिन उन सिचुएशन को भी समझने की जरूरत है कि पुलिस को ऐसी कौन सी सिचुएशन थी, ऐसी कौन सी स्थिति थी जब पुलिस को इस तरीके की जो कदम है वो उठाने पड़े। क्या गाली गलौज भी हुआ, ये सब सिचुएशन है जो इन्वेस्टिगेशन जिसमें करने की जरूरत है। तो हाल फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, जिसके बाद स्थिति का आंकलन किया जा सकता है कि हुआ असल में क्या था और ऐसी क्या स्थिति सामने आन पड़ी थी कि पुलिस को इस तरीके से लाठीचार्ज करना पड़ा और उसके बाद ऐसा हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस भी पिटी और छात्र भी खूब पिटे हैं। तो देखिए पुलिस जाति के आरोप कितने सच हैं, आप इस पर अपना नजरिया रख सकते हैं। हिंसक प्रोटेस्ट के दौरान गंभीर आरोप लगाने क्या वाकई जायज हैं? पुलिस इन हिंसक प्रदर्शनों, अभी हाल ही के जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, पुलिस इन सब चीजों में आखिर पिसती नजर क्यों आती है, क्यों ये इसे कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो जाती है? इन सब तमाम सवालों पर आप अपना नजरिया हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपना पार्टिसिपेशन जरूर करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि नागरिक जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन करते हैं उनका इस तरीके से विरोध करना उनका ये अधिकार होता है। भारत के लोकतंत्र का ये एक आधार स्तंभ है, एक पिलर है। नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से जमा होने की इजाजत भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि विरोध और प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं। अब देखिए हरियाणा में जाटों का प्रदर्शन और फिर आतंकी सरगना बुरहान वानी की मौत के बाद क्या स्थिति थी आपको भी पता होगी। कश्मीर में अशांति, हाल ही के ये सब तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो कि ईयर 2016 में घटित हुए, और इस तरह के हालातों में ये भारत में सत्ता प्रतिष्ठान का एक विशेषाधिकार है कि वो हिंसक प्रदर्शनों से इस तरह से निपटे कि आम लोगों को नुकसान ना हो और सार्वजनिक व्यवस्था भी बनी रहे। अब भारत जैसे देश में जिसकी पहचान अलग अलग धर्मों, नस्ल, भाषाई और जातीय विभाजन वाली है, वहां अक्सर पुलिस का सामना बड़े पैमाने पर होने वाले प्रदर्शन, दंगे और व्यापक नागरिक अव्यवस्था से होता है। तो इस तरह की अशांति की स्थिति में प्रदर्शनकारी पुलिस और सुरक्षा बल संपत्ति और दूसरे नागरिकों के खिलाफ हिंसक तरीके से प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं। इसलिए हिंसक नागरिक प्रदर्शनों से निपटने के तौर तरीकों पर सोचने विचारने की आज जरूरत है। भारत में लोगों के गैर कानूनी जमावड़े को तितर बितर करने के लिए पुलिस परंपरागत रूप से लाठी, बैटन, पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल करती आई है। हालांकि इन तरीकों की अपनी खूबियां हो सकती हैं, लेकिन उन वाक्यों को देखना भी अहम है जब पुलिस ने इन तरीकों, औजारों का इस्तेमाल अत्यधिक बल प्रयोग और सख्ती के लिए किया। इस बातचीत को उस सबक पर केंद्रित करना होगा जो ऐसे नागरिक प्रदर्शनों में मिला है जो शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुए लेकिन बाद में हिंसक हो गए। उनका नतीजा हताहतों की बड़ी संख्या के रूप में सामने आया और आज ये जो एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं, आज जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये भी उनमें से एक है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा जस्ट हिंदी के साथ, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जसंदी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले पुलिस की बात कर रहे हैं, जिनके अभी हालिया ऑन द स्पॉट एक्शंस को लेकर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। मामला चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी घटना हो, उन सब पर कानून व्यवस्था चरमरा गई है, ये सवाल उठाया गया है। लेकिन अगर ऐसा वाकई ही है, अगर पुलिस जाति का सच वाकई ही है, सच है, तो ऐसे में से ठीक कैसे किया जा सकता है? क्या ऐसी चुनौतियां हैं जो आज पुलिस को फेस करनी पड़ रही हैं? क्या ऐसे हर्डल्स हैं जिन्हें हटाने की आज जरूरत है? क्या आज पॉलिटिकल इफेक्ट जो है उन पर, उस पॉलिटिकल इफेक्ट को हटाने की जरूरत है? उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम देनी चाहिए? उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? किस तरीके से अव्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना है? ये सब तमाम चीजें हैं जिस पर आज बातें हो रही हैं। तो इस पर आपका क्या नजरिया है, आप हमें कॉल करके फटाफट से हमारे साथ ओपिनियन अपना शेयर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप आज के विषय को लेकर क्या सोचते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उन्हें बात उनसे कर लेते हैं, ओपिनियन उनका जान लेते हैं। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। नमस्कार जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ शिकागो से, दो मिनट लूंगा मैं आपके। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, कहिएगा अपनी बात। जी गीत जी, देखिए तीन दिन पहले तक जो सिचुएशन थी वो नेशनल रजिस्टर और सिटीजन अमेंडमेंट बिल की थी, वो एक्ट बन गया। लेकिन आज सिचुएशन जो है, तीन दिन के अंदर अंदर वो देखिए पासा पलट गया और अब सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की हो गई। वही सिचुएशन, वही लोग, वही प्लेयर्स, वही सिटीजन्स इंडिया के, लेकिन आज देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जो मेंटेनेंस की है, आपस में कंपटीशन पे आ गए हैं पुलिस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। मैं स्पेसिफिकली ये बात कहूंगा कि दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया की जो सिचुएशन है, ये पुलिस की कमांड की फेल्योर है। मैं पुलिस की फेल्योर नहीं कह रहा जी, मैं पुलिस की कमांड की फेल्योर कह रहा हूँ। एक कमांड का काम था इंटेलिजेंस जो थी तीन दिन पहले से लेके रखते। जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी, आज महीनों से एक लफ्ज बार बार आ रहा था हर एक हिंदुस्तानी की जबान पे, वो लफ्ज था जी मुस्लिम। बार बार जब मुस्लिम नागरिकों के ऊपर, मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर, मुस्लिम रिफ्यूजीज के ऊपर, मुस्लिम इमिग्रेंट्स के ऊपर बार बार जब वो शब्द आ रहा था, पुलिस के लिए ये एक खासा हिंट था कि आप जामिया मिलिया, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आप इस तरह के जो सेंटर्स हैं जहां पे कि एक पर्टिकुलर समुदाय की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां पे थोड़ी नजर रखें। इस मामले में दिल्ली की पुलिस की जो मैनेजमेंट है, जो टॉप कमांड है, वो फेल्योर है जी। मैं गीत जी आपको एक उदाहरण देता हूँ लाइव, जो इस वक्त लाइव आपकी आंखों के सामने चल रहा है, सिर्फ थोड़ा 7000 मील दूर है। आज शिकागो में, डाउनटाउन में बड़े सीवियर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, बड़े हैवी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं ये ट्रंप की इम्पीचमेंट के बारे में। अब देखिए, आपको पता ही है कि इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट की, ट्रंप की, उसमें 50-50 डिवाइडेड है सभी लोग। जो पॉपुलेशन है अमेरिका की, 45% कहते हैं नहीं होनी चाहिए, 49% कहते हैं होनी चाहिए, तो ऑलमोस्ट देखिए मिड लाइन पे है। अब डेमोन्स्ट्रेशन में भी आप देखिए कितनी हैवी डेमोन्स्ट्रेशन होगी, उसमें भी लोग जो है अलग अलग व्यूज के आमने सामने खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना पीसफुली, इतना वेल कंट्रोल्ड, और मतलब आप देखते रह जाएंगे, ऐसे लगता है कि जैसे ना लोग अपने फ्लो से चलते चले जा रहे हैं। पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन कोई आपस में दंगा नहीं, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, और पुलिस की रिस्पेक्ट तो अमेरिका में है ही है। हमारे भारत में पुलिस की, मैं अपने भारत की बात पे आता हूँ गीत जी, आज इस वक्त भारत में मार सबसे ज्यादा पड़ती है बीट कांस्टेबल को। वो जो पुलिस वाला जिसके हाथ में डंडा है, वो मारे किसी को तो पीछे से अफसर सस्पेंड कर देते हैं, ना मारे तो फिर भी अफसर सस्पेंड कर देते हैं, पिस जाते हैं ना। हाँ जी, अब पत्थर
पत्थर खाने आगे से, ईंटे खानी आगे से, गालियां खानी आगे से, ये हमारे भारत की पुलिस कांस्टेबल जो है, बीट कांस्टेबल, ये उस बेचारे की फितरत हो गई है। मैं आज पूछता हूँ अपने दिल्ली वालों से, बताओ आपके पुलिस कमिश्नर का नाम क्या है, बताओ पिछले हफ्ते में कितनी दफा पुलिस कमिश्नर ने आके कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने पैसिफाई करने की कोशिश की हो जनता को, जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि भाई डेमोंस्ट्रेशन करना आपका हक है, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका हक है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेफ्टी ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। ये लफज रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ये अलर्टनेस, ये अवेयरनेस क्यों नहीं पुलिस कमिश्नर से आई? पुलिस कमिश्नर शुड हैव कम आउट एंड सेड आई एम द इन चार्ज। इस वक्त पुलिस कमिश्नर को बाहर आके अगर वो अप फ्रंट खड़ा होता, आज उसकी पुलिस फोर्स जो थी उसके साथ एक बड़े हौसले के साथ खड़ी होती। यानी कमांड की सर आपने सर बात कही है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल अफेक्ट की बात करें, क्योंकि देखिए सर, जब भी इस तरीके की डेमोंस्ट्रेशंस होती हैं, जब भी इस तरीके के इंसिडेंट आते हैं, जाहिर तौर पर इसको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाता है और इसे भी उसके साथ जोड़ने की कोशिश कही जा रही है। सरकार की ओर से आश्वासन तो दिया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जानबूझकर ये सब चीजें कर रहे हैं, तो आप कुल मिलाकर ये जो पुलिस कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उस पर आप पॉलिटिकल इफेक्ट को लेकर क्या राय रखते हैं? जी, मैं एक सेंटेंस में पहले आपको ये बता दूं, आज अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट रिपब्लिकन है, लेकिन हमारी इलिनॉय स्टेट में जहाँ शिकागो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो स्टेट है, गवर्नर है, ये डेमोक्रेट्स है। तो वहां पे रिपब्लिकन है, यहाँ डेमोक्रेट्स है, लेकिन आज जो डेमोंस्ट्रेशंस हो रही हैं उसमें भी देखिए, आधे लोग जो है वो डेमोक्रेट्स हैं, आधे लोग रिपब्लिकन्स हैं, लेकिन पुलिस जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस सिचुएशन को अपना मैनेजमेंट प्रोजेक्ट समझती है, पुलिस इसको अपनी जॉब समझती है। पुलिस यहाँ पे बिल्कुल किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी करने की कोशिश नहीं करती, ये उनकी अपनी पर्सनल जॉब है जी, अपनी जॉब जो है, इट इज लाइक योर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। गीत जी, जैसे आपको मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मिलता है, आप कुछ ये जो स्पेशल इंटरव्यूज लेती हैं, उस वक्त देखिए आप टोटल कमांड है आपके पास उस इंटरव्यू की, कि आप किस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, किससे आप बात करते हैं, कि आप क्वेश्चंस करते हैं, वही जो फ्रीडम है वो यहाँ पे है। हमारे भारत में पुलिस को हमेशा वहां की पॉलिटिक्स का, जिसको कहते हैं वो, सर्वेंट माना गया है, कि ये लोकल एमएलए से घबरा जाते हैं, ये लोकल एमपी से डर जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि वो पुलिस कांस्टेबल को बचाने वाले जो टॉप के जो कमिश्नर्स हैं या सुपरिटेंडेंट पुलिस है, वो उनको बैकिंग नहीं देते। इस वक्त जो था उनके बीच में हमेशा एक प्रोटेक्टिव वॉल होनी चाहिए पुलिस वालों के और पॉलिटिशियंस के बीच में, और वो प्रोटेक्टिव वॉल है ये आपके जो कमिश्नर्स और ये सुपरिटेंडेंट पुलिस, ये देखिए बिल्कुल गायब होते हैं और मार खाने वाले पुलिस वाले। तो गीत जी, भारत में पुलिस जो बीट कांस्टेबल है उसके सामने कोई और रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो वहां की जो लोकल नेतागिरी है, या ये कई जगह तो कहीं लोकल दादागिरी के सामने भी वो बेचारे चुप करके जो बात सुन लेते हैं। अब आखिर पे मैं इतना कहूंगा, देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया में, गीत जी मेरा अंदाजा, मैं क्योंकि दूर बैठा हूँ, आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी है तो मेरी थोड़ी सी अज्ञानता की मुझे माफी दीजिएगा, मेरा ख्याल से ये जामिया मिलिया इस्लामिया का जो दंगा है ये वहां के स्टूडेंट्स ने नहीं शुरू किया। ये शुरू उन्होंने नहीं किया, शुरू आउटसाइडर्स ने किया है, क्योंकि पीछे भी जब जेएनयू ने दंगे किए, जामिया मिलिया वाले चुप करके बैठ के अपनी पढ़ाइयां करते थे, जेएनयू वाले ही अकेले आके दंगे करते थे। इस बार जामिया मिलिया के स्टूडेंट्स को उकसाया गया है, जैसे कि भारत में एक पता है लोगों को कि वहां पे एक दंगा उकसाने वालों का भी एक धंधा है।
मुझे ये लफ्ज कहने नहीं चाहिए, लेकिन दंगे कराने वाले भी वहां पे लोग हैं। इस बार ये जो दंगा है बस शुरू उन्होंने करवाया है, उसके बाद ये जो थे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, दे डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, और पुलिस की तो टोटल फेल्योर है। मैं मॉडिफाई करूंगा स्टेटमेंट को, पुलिस मैनेजमेंट की फेल्योर है, पुलिस की नहीं। पुलिस वालों को तो चोटें लगी है, उतनी ही चोटें लगी है जितनी स्टूडेंट्स को लगी है। तो बस मैं ये कहूंगा जी कि भारत में जब इनको पता था कि आजकल ये एक महीने से असम में नॉर्थ ईस्ट की सातों स्टेट्स में इतने तो दंगे सचेत हो पहले रहे हैं, जी सचेत पहले हो जाना जरूरी था उनका, जैसे कश्मीर में। ठीक है, बहुत जरूरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच सर। जी 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 धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें रखी आपने, बैकिंग की जरूरत और प्रोटेक्टिव वॉल की जरूरत है। शायद उससे कम व्यवस्था जो चरमराती नजर आती है वो दुरुस्त हो पाएगी। थैंक यू सो मच सर, आपका ओपिनियन हमारे लिए सर्वोपरि, और ऐसे ही बना रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे सतीश चंद्र जी शिकागो से, और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात रखी है, जो आज बैकिंग की जरूरत है, प्रोटेक्टिव वॉल है, ये जो जवाब है उन सवालों से जुड़ा हुआ है जिसमें राजनीतिक अफेक्ट भी आ जाता है, और कानून व्यवस्था आखिर क्यों चरमरा गई है, उसको क्या जरूरत है, क्या किस न्यूट्रिएंट की उनको जरूरत है, ये उन सवालों के आंसर हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर हैं, जिसकी वाकई आज कानून अव्यवस्था जो हो अव्यवस्थित हो चुकी है उसको व्यवस्थित करने की जो जरूरत है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें बहुत कारगर साबित हो सकती है। तो इस पर सोचने की, मंथन करने की आज जरूरत है। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जुड़ेंगे हम एक बार फिर से, और आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, हमें कॉल कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं, और लगातार आज हम कानून व्यवस्था से जुड़े हुआ एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर हाजिर हुए। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं और फिर प्रोग्राम के दायरे को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार सर, गुड इवनिंग, वेलकम टू जस्ट हिंदी। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर पिकिंग माय कॉल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हमें कॉल करने के लिए। नहीं जी, ये आप भी बड़ा एक अच्छा काम कर रहे हैं, इतना ओपन डिस्कशन है, पेशेंस सुनने में भी है, बोलने में भी पूरी वो आप ध्यान से सुनते हैं, और सबसे बड़ी बात तो चलो भाई आपने बड़ी अच्छी बात शुरू कर दी है। तो एक मुझे बहुत अच्छा ये भी लगा है कि कभी हम तो सोचते हैं कि हमने बात अपनी पूरी कर दी अपने मन से, हम ठीक कन्वे करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि हमें हमने कन्वे कर दिया, पर जब हम आपका वो जो आप दोबारा प्रोग्राम्स को क्या कहते हैं, रीटेलीकास्ट कहते हैं या क्या कहते हैं, उसमें जब हम देखते हैं ना, तो हाँ जी, तो उसमें वो बड़ा एक बेनिफिट मुझे तो हुआ है। पहले तो यार मुझे पता नहीं चलता था कि मैंने क्या बोला है या कितना ठीक बोला है, समझ आया है किसी को नहीं, या अपने आप को तो लगता है कि हमने ठीक बोल दिया, लेकिन कितना समझ आया है, कितनी उसकी सेंस बनी है, वो बाद में जब हम सुनते हैं तो पता चलता है। जी जी, तो वो जब हमने आपका वो मैंने अब शुरू किया है, कभी कभी तो खैर आपको उसमें कोई और भी प्रोग्राम कर देते हैं, पर आजकल आप रेगुलर ही वही दे रहे हैं, तो अगर मैं बोलता हूँ तो कम से कम मैं सोचता हूँ मैं वो देख तो लूँ मैंने बोला क्या, या उसकी कोई सेंस भी बन रही है या नहीं बन रही है, पर दैट वो मुझे बड़ा हेल्प करता है, वो एक आपकी बड़ी अच्छी बात है आपके चैनल की। और दूसरा एक और अच्छी बात है कि आप कहीं हमारी कन्वे में जहाँ मेरी कमी रह जाती है, मुझे तो अपना ही मैं कह सकता हूँ। नहीं नहीं सर, हम आपके ओपिनियन का हमेशा स्वागत करते हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि एक स्पॉन्टेनियस आंसर जब दिया जाता है तो वो एक आपकी अपनी सोच है, वो आपका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है किसी विषय को लेकर। तो डेफिनेटली सर आप भी अपना जी बिल्कुल, एक स्पॉन्टेनियस आंसर जब निकल कर सामने आता है, डायरेक्ट जो आंसर निकल कर सामने आता है ना, वो आपकी सोच को दर्शाता है। तो चलिए सर, वो अच्छी बात है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, और जी हाँ, एक रिपीट जब टेलीकास्ट होता है तो जैसे आप उसे वॉच करते हैं, तो सेम यही हमारा भी प्रोसीजर होता है, हम लोग भी वॉच करते हैं, तमाम अपनी गलतियों से सीखते हैं कि जो गलत बोला गया है उसे किस तरीके से सुधारना है। फिलहाल सर, आज के विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, कानून व्यवस्था चरमराती नजर आती है क्योंकि पुलिस की जाति, उनके एक्शन पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर आप क्या सोच रखते हैं? जामिया, JNU, पुलिस वकीलों के साथ जो कुछ हुआ, सब कहीं पुलिस पिस की नजर आती है। जी जी,
अब मैं थोड़ा सा ये अपने ज्यादा तो खैर हमने यहाँ की भी पुलिस को देखते हैं, यहाँ के एक्शंस को देखते हैं और हम भारत के भी देखते हैं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि पता ही होगा, खैर जब बहुत सब आपको भी पता होगा या सबको पता है, यहाँ तो सो मच सो है कि अगर आपको टिकट मिलती है, आपकी कोई कार को कोई कॉप रोक लेता है तो आप कार से बाहर नहीं निकल सकते, वो कह देता है कि आप कार में ही बैठेंगे और वो शीशे के कार के दूसरी तरफ से आके आपके वो कागज मांगता है और वो अगर आप निकलने की कोशिश करते हैं तो आपको वार्न करता है कि नहीं आप नहीं निकलना, और फिर अगर आप खड़े हैं और आपको उसको लग जाता है कि आप अपनी जेब में हाथ डाल के कुछ भी निकालने वाले, उसको तो पता भी नहीं कि वो कहाँ है कि आप अपना रिवॉल्वर निकाल रहे हैं कुछ निकाल, अगर उसको डाउट होता है आप मतलब आपने पेपर दे दी वो तो एक अलग बात है, उसको पता चल गया, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, द वंस उसको डाउट हो जाता है कि आप अपने जेब में हाथ अननेसेसरी डाल रहे हैं तो ही कैन शूट यू। बाकी तो उसका गला पकड़ना और जैसे कुछ और करना वो तो बहुत एक दूर की बात है, वहां तो देखिए वो भारत देश आजाद देश, इतनी ज्यादा आजादी है कि वो जंगल राज मुझे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं, वो अपनी आर्मी को पीट रहे हैं, वो अपने पुलिस वालों को पीट रहे हैं, मतलब कि उनको कुछ है ही नहीं, वो कहते हैं ये सब राइट जो है ना ये हमारा है, हम जब पैदा हो गए हमने भारत पे एहसान कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आजादी दे दी, वो ये नहीं कहते कि वो आजादी वही कुछ अकल अकल के लिए भी तो कुछ भारत के संविधान ने तुम्हें कुछ बोला होगा कि नहीं, तो सारी बदतमीजी की आजादी दी है, तो अब मतलब ये उनको आप पूरा जंगल राज कह सकते हैं, यहाँ की पुलिस इतनी डिसिप्लिन है कि यहाँ प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होते हैं ना वो ये नहीं देखते हैं कि ये किस पार्टी का है कौन लोग हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ डिसिप्लिन मानते हैं उनको, लेकिन भारत में ये मुस्लिम आ गए, ये हिंदू आ गए, ये कांग्रेसी आ गए, वहां एक अलग तरह की दुनिया चल रही है, पैरल दुनिया चलती है, यहाँ ये कोई सिस्टम नहीं है, अगर आप प्रदर्शन करते हैं और आपने पब्लिक प्रॉपर्टी, मैंने तो आपको कहा कि अगर हाथ में को जेब में हाथ डालते हैं तो तब शूट कर देते हैं, पूछते ही नहीं वो, और अगर तो अगर वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने का करते हैं आग लगाते हैं तो वो यहाँ तो कोई माफी का सिस्टम ही नहीं है, वो तो वार्न कर देते हैं और उसके बाद अपना दंड कर देते हैं, तो यहाँ लोगों को वो भी तो पता है ना कि अगर हमने बदतमीजी की तो वो फिर इंक्वायरियां तो बाद में होती रहेंगी, पहले तो सड़कों पे नजर आएंगे, तो ये एक बड़ा फर्क है। अब हम वहां आते हैं कि थोड़ा वहां भारत में भी आ जाते हैं, अब वहां देखिए अब ये जो हुआ जामिया मिलिया में, चलिए जामिया मिलिया के ले लेते हैं, वहां जब ये हुआ है कि वहां पुलिस कमिश्नर ने उनको अनाउंस किया है स्पीकर पे कि आपके जो होस्टल हैं आपके ये अंदर से होस्टल से हमें पत्थर आ रहे हैं, ये पेट्रोल की बोतलें भर भर के आ रही हैं, फेंकी जा रही हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, पुलिस से आ रहे हैं, तो वो वार्न किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही के चले गए, वो पुलिस है, वो वहीं के किसी के भाई हैं, किसी के बहन के हैं, वो ब्रिटिश राज के नहीं है, वो चाइना से नहीं आए हैं, ये आपको हम सबको अंडरस्टैंड करना है, और आप देखिए वहां और जितने वहां पत्थर पड़े हुए हैं सड़कों पे, वो बोरियां वो कह रहे हैं कि वहां बोरियां रख के रखी हुई थी, बताइए, और फिर बोरियां पत्थरों की वो जो रखी थी भाई वो किस लिए रखी थी, आप ये तो आपका कॉलेज है हॉस्टल है और पत्थर की बोरियां और वो पत्थर इतने बाहर सड़क पे, राम बचाए भैया, ये कॉलेज ही है सच में ही, कौन मैं उस सलाम सलूम पे तो नहीं जाता, क्या करना है उसका, उनका वर्किंग ही बोल रही है, और फिर उन्होंने गर्म वो जो कंबल है वहां ब्लैंकेट है वो गीले करके अंदर रखे हुए थे, उनका सारा इंतजाम रखा हुआ था कि ये आएंगे वही गोले फेंकेंगे और हम ये करेंगे। फिर अभी आई एम नॉट डन, फिर उसके बाद क्या है कि देखिए जब पुलिस
आप पत्थर फेंक के अब आप सोचेंगे कि हम भाग जाएं या किसी हॉस्टल से फेंकें या लाइब्रेरी से फेंकें, और आप सोचें कि आप पुलिस आपको बाहर हाथ जोड़ के देखती रहे, अब पुलिस को तो आप दोनों तरफ से मारेंगे। और पुलिस का देखिए एक कॉमन सेंस की बात है, पता नहीं लोग कैसे कैसे डिबेट पे आ जाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि अलग अलग अच्छे अच्छे टोपियां पहन के आ जाते हैं, टोपियों के नीचे वो कुछ और होते हैं, टोपियां कुछ और कहती हैं, वो जो बोलते हैं वो कुछ और बोलते हैं, वो तो एक लंबा सा टॉपिक हो जाएगा, पर जो मैं इतनी पागलपन का वहां देखता हूँ, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, वहां इतना दोहरापन चल रहा है, इतना हद दर्जे की पागलपन चल रहा है। वही वही सर वही चीज है ना, कि क्योंकि इससे पहले कॉलर जो हमारे से जुड़े थे उन्होंने भी यही इम्पोर्टेंट रखी बात रखी थी कि चीजें जो हुई हैं उनको एक तरीके से इंस्टिगेट किया गया है, जब इंस्टिगेट किया है आउटसाइडर्स ने तभी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो निकलकर बाहर आए हैं और पुलिस पर इन्होंने इस तरीके से प्रहार करने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में हाल फिलहाल देखा यही जा सकता है कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली उस वक्त रही, उनका जो एक्शन रहा, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी कमियां थी जिसको सुधारने की आज हमें जरूरत है, फिर चाहे वो बैकिंग की जरूरत हो। जी बिल्कुल, प्रोटेक्टिव वॉल। जी बिल्कुल सर, बैकिंग की जरूरत होती है, जिस तरीके से एक हाई कमिश्नर्स के ऑर्डर्स होते हैं, उन वो जो ऑर्डर्स हैं उन लोगों को मिलने चाहिए, ऑन द स्पॉट मिलने चाहिए, पहले से चीजों को व्यवस्थित करने की यहाँ पर जरूरत है। बात होती है कि जब कहते हैं ना कि दो लोगों के बीच में जब लड़ाई होती है तो अगर तीसरा एंटर कर जाता है तो वो चीजें जो होती हैं अव्यवस्थित हो जाती हैं, तो यही यहाँ पर ही जरूरत है कि एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन की और एक डायरेक्ट कमांड की जरूरत यहाँ पर भी है। यही वजह है कि जो लूप होल्स हैं उन सबको कहीं ना कहीं से कवर किया जा सकता है, एंड दैट्स द रीजन कि आज यही चीजें सामने आ रही हैं कि कानून व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो बैकिंग की जरूरत है, हमें प्रोटेक्टिव वॉल की जरूरत है, ताकि पुलिस के जो राइट्स हैं वो उन्हें सही टाइम पर और सही नजरिए से या फिर कहे कि सही समय पर उन सबको इम्प्लीमेंट करें, ताकि चीजें जो हैं वो अव्यवस्थित ना हो। मेरे ख्याल से तो सर यही चीजें हैं, और कहीं ना कहीं आपकी बातों से भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं उन सबको कवर करने की जरूरत है जब इन चीजों पर काम किया जाएगा। एक चीज मैं और आपको पॉइंट आउट करता हूँ। जी सर, सर दो सर कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। हाँ, अभी एक वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मिस्टर ससोदिया, वो कह रहे हैं कि ये पुलिस ने मैंने देखा कि पुलिस आग लगा रही थी, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और वो पुलिस की जो है वो जो आग बुझाने वाले जो चेन और स्टूडेंट ला के वो आग लगा के भाग गए थे, वो पानी भर के वो बसों को वो बुझा रहे थे, वो फिर लोगों ने भी कंफर्म किया, और जहां से वो पानी लेके बेचारे पुलिस वाले बुझा रहे थे उन्होंने भी कंफर्म किया, और ये चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ये स्टेटमेंट है, बताइए, और उसका वो हेड का हेड है और अपनी पुलिस पे वो यही बात है ना सर, यही जो मैंने इससे पहले बात कही कि जो इनसे बड़े जो सीनियर्स हैं उन लोगों के साथ इनकी क्या कम्युनिकेशन होती है ये भी तो मैटर करती है ना, क्योंकि वो उन्हीं के इशारों पर ये जो कांस्टेबल्स होते हैं वो चलते हैं, जो प्रोटेस्ट में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को हैंडल आउट करने वाले यही लोग हैं, जब इन लोगों को ऑर्डर्स उस तरीके से मिलेंगे तो सर वो उसी तरीके से ही उस तरीके के एक्शन लेंगे ना, यही बात सर मैं आपसे कहना चाह रही थी। हाँ वो ठीक है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन जब हम अवंतिका जी जब हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि आपको इतने वो क्राउड वो पत्थर फेंक रही है, वो कुछ और वो स्टूडेंट वो बसों को आग लगा रहे हैं, बसों में लोग बैठे हुए हैं, तो वो बहुत कुछ एट द स्पॉट आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। हाँ, वो बैठ के मतलब कि डिबेट करना एक और बात है, लेकिन प्रैक्टिकल जाके कुछ करना वो एंटायरली एक डिफरेंट वो है प्रोसीजर है। तो वो जो लोग काम करते हैं अंडर द जो कंडीशन में और जिस हिसाब से वो और उसमें यूनिवर्सिटी में भी थाउजेंड्स ऑफ लोग थे जो बाहर से आए हुए थे, स्टूडेंट कम थे और जो बाहर से आए हुए थे, बताओ वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी क्या उनको उनको बताना जरूरी नहीं था कि ये लोग अंदर आ रहे हैं, इन्होंने कब्जा किया या ये क्या करेंगे, इनकी क्या इंटेंशन क्या है, वो भी चुप करके बैठे हुए थे। ठीक है, ये एक ये थाउजेंड्स में लोग हैं तो ये जो हुआ है ये वेल प्लान्ड है, पॉलिटिकल अब तो पॉलिटिकल लीडर्स भी पता चला है कि कुछ कांग्रेस के भी हैं, कुछ आपके भी हैं जिन्होंने भड़काया।
चलिए, थैंक यू सो मच सर हमें बहुत कॉल बहुत करने के शुक्रिया लिए। जी। जी हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू जी, सर, कोई बात, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू जी। तो मुकेश जी थे और रेगुलर कॉलर हमारे। और देखिए जिस तरीके से इम्पोर्टेंट बातें लगातार सामने आ रही है, आप इस तरीके से आप भी हमें कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए, क्या सोचते हैं पुलिस के इस रवैये को, और जो जाति करने की जो बात आ रही है वो कितनी सही है, उस पर सवालिया निशान लगाना कितना सही है। कॉल कर आप भी हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम विरोध प्रदर्शनों के तहत पुलिस की भूमिका की बात लगातार कर रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या है और ये क्यों हो गई है, क्या सुधारने की जरूरत है। देखिए जब किसी विरोध प्रदर्शन की योजना बनती है या उसका पहले ही ऐलान हो जाता है तो पुलिस और सुरक्षा अधिकारी भीड़ को कंट्रोल करने की रणनीति बनाने में सफल रहते हैं। आमतौर पर प्रशासन कुछ कारणों से पहले ही यह अनुमान लगा लेता है कि पहले से घोषित ऐसे प्रदर्शनों में हिंसा हो सकती है, इसलिए पुलिस को गड़बड़ी होने पर जरूरत पड़े तो भीड़ को तितर बितर करने की तैयारी करने का एक मौका मिल जाता है। अचानक हुई किसी घटना की वजह से लोगों के तुरंत फुरंत जमा होना पुलिस के लिए ज्यादा डेंजरस हो जाता है, इसलिए ऐसे हिंसक नागरिक विरोध से निपटने के अलग अलग तरीके को सुझाने और पहले से निहत्ती करने वाली नीति का मसौदा तैयार करना अहम हो जाता है। ये पुलिस अफसरों, अर्धसैनिक बलों, कानून लागू करने वाले दूसरे लोगों को बेहतर तरीके और रणनीति सीखने में हेल्पफुल बनेगा ताकि वो शांतिपूर्ण और हिंसक दोनों तरह की भीड़ से कानून के दायरे में रहकर निपट सके। जिस नीति की आज हम बात कर रहे हैं, इस नीति का जो एक फुल फ्लेज मसौदा है, ड्राफ्ट है, वो तैयार करने के दौरान अलग अलग तरह के विरोध की जो एक ग्राउंड हकीकत होती है, जो ग्राउंड रियलिटी होती है, उसे भी ध्यान रखने की और उनके मुताबिक एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर छात्रों के विरोध के वक्त सुरक्षा कर्मियों को अत्यधिक संयम दिखाने और बैलेंस्ड रहने की जरूरत होती है। हिंसक गड़बड़ी के वक्त किसी भी उकसावे पर दी गई पुलिस का जो रिएक्शन है वो हद से पार हो सकता है और ये और तीखा हो जाएगा, प्रदर्शनकारियों को और ज्यादा हिंसक भी बना देगा। राजनीतिक आंदोलन के वक्त हिंसक होते टकराव या प्रोटेस्टर्स नागरिकों के प्रति पुलिस की जो एक आक्रामकता है उससे ऐसे विरोध लंबे टाइम के लिए खिंच सकते हैं। बेशक विरोध कर रहे छात्रों के हिंसक समूह और राजनीतिक आंदोलनकारियों की भीड़ से अलग अलग ढंग से निपटने की जरूरत है। आखिरकार ये जन उबाल अलग अलग कारणों और अलग अलग मकसद के लिए तो होते हैं और हर किसी के प्रदर्शन का तरीका भी अलग होता है, इसलिए सही रहेगा कि उनसे निपटने की नीतियां भी अलग हों, जिसकी आज हमें बेहद जरूरत है। तो इसी नोट के साथ फिलहाल मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत।